हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बुलेट गाड़ी का डिस ब्रेक वाला जो टायर होता है, पिछला टायर, एक जब पंचर हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। मिस्त्री लोग जो टायर के पंचर बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस टायर को खोल नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है, इसमें डिस ब्रेक लगी हुई है जिसके कारण यह निकालने में खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके टायर को आसान तरीके से कैसे खोलें और इसे टायर को गाड़ी में दोबारा कैसे फिटिंग करें, तो इसी पर वीडियो बना है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको खोला जाए और कैसे इसको फिट किया जाए। उसको ये भी दिखाएंगे कि इसके जो ट्यूबलेस टायर है, इसको वल्कनाइजिंग कैसे किया जाए। यानी ट्यूबलेस टायर है, इसका होल बढ़ गया है, तो इसको अंदर से हमेशा के लिए कैसे ठीक करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूं। तो दोस्तों, इसके गाड़ी को सबसे पहले इसके नट को जो है उधर से खोल लेंगे, दूसरे साइड से, और इसके जो एक्सल रॉड लगी हुई है इसको हम निकाल लेते हैं। और निकाल के इसके जो वायर है, पाइप जो डिस्क में जाते हैं, पाइप आयल वाले पाइप जो है, ब्रेक आयल वाले पाइप, इसको इसके लॉक से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ताकि ये निकालने में डिस्क ब्रेक जो है पीछे से खींचने में पीछे तरफ आ जाएगा और आसान तरीके से निकल जाएगा। तो मैंने इसको निकाल ली है दोनों साइड से। दोस्तों, इसमें कम जगह जो है बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें दिक्कत बहुत आती है। निकलने को तो आसान तरीके से निकल जाता है, लेकिन जब फिटिंग करना होता है तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसी वजह से बहुत सारे टायर मिस्त्री जो हैं इसको खोलना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके डिस्क ब्रेक को जब भी निकालें तो धीरे धीरे ऊपर नीचे करके इसको हिलाएं और धीरे धीरे इसको बिल्कुल निकालें। दोस्तों, इसमें ज़रा सी बल नहीं लगानी है। तो ये जो है, इसमें जगह बहुत कम है इसलिए, और ये पहली बार खुल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन निकल जाएगा। एक ही डिस्क ब्रेक जो है निकल चुका है, अब इसके टायर को निकालने हैं। तो अब टायर जो है वो निकल चुका है। दोस्तों, कभी भी बुलेट के टायर को खोलें तो आप बेहद ही सावधानी से और शांत दिमाग से ही खोलें, क्योंकि ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर कुछ दिक्कत हो सकता है और उठानी पड़ती है। दोस्तों, इसका जो टायर है, ट्यूबलेस टायर है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले स्पेंचर बना हुआ है जो बार बार लीकेज हो जा रहा है, तो इसी को हमेशा के लिए ठीक करना है और इसको बनाना है। तो देखते हैं एक कैसे बनता है। पहले तो हम इस टायर को खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, ये ट्यूबलेस रिंग है, ठीक है, तो इस पर हथौड़े से भी मारने से बिट छोड़ देता है, लेकिन ये दबाने से और बेहतर होता है कि रिंग पर ज़रा से भी कोई खरोच नहीं आता है। इसलिए कभी भी हथौड़ा ना चला कर इस पर टायर के बिट दबाने वाला से ही दबाएं, जिससे कि रिंग जो है, रिंग पर कोई दिक्कत ना आए। देखिए अंदर से कितना है, पहले से बन चुका है, अंदर से कम 4-5 बार तो बन ही चुका है, फिर भी इसका पंचर जो है वो लीकेज जो है बंद नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि इसका होल बढ़ चुका है। देखिए इसका होल जो है कितना बड़ा हो चुका है, इसमें दो दो बत्ती पड़ा है। तो
तो दोस्तों हम लोग फाइनली सब इसमें जो काम होता है करके इसको गर्म करके वल्कनाइजिंग करने के लिए मशीन पर लगा दिए हैं। और अंदर से देखिए ऐसा दिखता है, जो प्रोसेस होता है हम लोग कर दिए हैं। दोस्तों ये पंचर बनाने की मशीन है, आपको 7500 से लेकर 8500 तक मिल जाती है मार्केट में। और दोस्तों पंचर बनने के बाद अब टायर ट्यूबलेस टायर को फिटिंग करते हैं और उसके बाद टायर को लगाएंगे, फिर देखते हैं कि इसके टायर जो है कैसे अब गाड़ी में लगाए जाएंगे। क्योंकि जो डिस्क ब्रेक वाले टायर होते हैं खोलना तो आसान होता है, लेकिन इसको जो टायर को जो दोबारा जो फिटिंग करनी पड़ती है उसमें बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों हवा भरने के बाद देखिए ऐसे दिख रहा है बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब दोस्तों दिक्कत शुरू अब होगी, क्योंकि इसके टायर को खोलना तो आसान है लेकिन इसकी फिटिंग करनी बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, वही भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है। दोस्तों अब टायर को गाड़ी में फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम टायर को इसके अंदर लगा लेते हैं और इसके जो अंदर जो है कपलिंग रबड़ और उसमें जो इसके पीछे घाट दी होती है उसको हम लगा लेते हैं। ये तो लग चुका, अब बात आई इसकी डिस्क ब्रेक लगाने की। दोस्तों डिस्क ब्रेक लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ये जो बूश है बूश को इसको लगा लेते हैं पहले, क्योंकि एक बार नहीं लगाएंगे तो बाद में नहीं लगता है। अब इसके जो डिस्क ब्रेक हैं इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से, दोस्तों इसमें ज़बरदस्ती करने से ये नहीं लगेगा, इसीलिए कभी भी इसे ज़बरदस्ती ना करें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आसान तरीके से इसको धीरे धीरे इसको लगाने की कोशिश करें। इसको डिस्क ब्रेक का जो बाइक जो है बुलेट बाइक तो दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है, ये दूसरी गाड़ी से आसान होता है, इसे सरल होता है, लेकिन ये जो बाइक है बुलेट वाली इसमें दिक्कत होता है। तो दोस्तों टायर लगाने के बाद पहले तो हम इसे एक्सल राड की तरह लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेक जो है हम एक्सल राड को लगा देते हैं। और दोस्तों देखिए डिस्क ब्रेक कितना आसान तरीके से लग चुका है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर लगाएंगे आप तो आप फिर डिस्क ब्रेक वाली बुलेट को खोल लेंगे और इसको कस देंगे। क्लासिक 350 बुलेट है डिस्क ब्रेक वाली। दोस्तों बिना डिस्क ब्रेक वाली जो है बुलेट को तो हर कोई खोल लेता है, लेकिन जो डिस्क ब्रेक वाला है उसको बहुत दिक्कत होता है। दोस्तों नट को कसने के बाद इसको जो वायर निकले हुए थे इसको दबा के लगा लेते हैं ऐसे। दोस्तों इसका वायर जो है इसको वायर को लगा लेंगे सही तरीके से और देखिए अब इधर से नट को कस देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े हैं, जैसे कि मैं टायर का ऐसा वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को दिखाता रहूं। दोस्तों यहां नट कसने के लिए जगह बहुत कम है तो यहां पर दो लग सकता है, एक सॉकेट से भी आप कस सकते हो और ये डबल ओपन रिंच से भी कस सकते हो, बाकी आपकी मर्जी।